विविध भारती के संग इनसे मिलिए। इनसे मिलिए कार्यक्रम में पिछले हफ्ते हमने बात की थी शिल्पकार और मिनिएचर आर्टिस्ट राजेंद्र गोले से। बातचीत बड़ी ही दिलचस्प चल रही थी, लेकिन कार्यक्रम का समय खत्म हो गया था, इसलिए हमने फैसला किया था बातचीत को आगे जारी रखने का। तो चलिए राजेंद्र जी से करते हैं आगे की बातचीत। राजेंद्र जी, अब मुझे ये बताइए कि आपकी कलाकृतियों के जो आकार हैं, वो बड़े से बड़ा आकार क्या रहा है, और चूंकि आपका काम बड़ा मिनिएचर काम है, बहुत छोटे छोटे प्रतिरूप भी आप बनाते, तो सबसे छोटी कलाकृति का साइज क्या रहा है? सबसे छोटी कलाकृति मेरे एक टेनिस बॉल्स पे भी मैंने काम किया है, जो टेबल टेनिस बॉल्स पे जी दो टेबल टेनिस बॉल है, उसके ऊपर पूरा एक जंगल है, उसमें हिरन्स है, उसमें बंदर है, और हिरन के पीछे एक चीता लगा है जो एक बॉल पे से दूसरे बॉल पर वो जंप मार रहा है, तो इस एक जंगल पे से दूसरे जंगल में जंप मार रहा है। ऐसा एक पिछले शो में मैंने एक पीस किया था, वो सबसे छोटा पीस था, हार्डली उस पे 2x2 इंच में ही पूरा जंगल का काम था दोनों पीस पे। 2x2 इंच में जंगल जी, तो ये कितना बारीक काम रहा? बहुत बारीक था, मैग्नीफाइंग ग्लास के बिना मैं बना ही नहीं सकता था। उसके पेड़ों की पत्तियां, वो सब घास वगैरह, और वो चीते के जो एक्सप्रेशंस है भागने के, जो हिरन के एक्सप्रेशन है जान बचाने के, वो सारे थे उसमें। तो सबसे छोटी कलाकृति ये रही है, और इतना ही छोटा बनाता हूँ मैं जैसे कि निकट आए से पब्लिक देख सके। कितना समय आपको अपनी सबसे छोटी कलाकृति बनाने में लगा, और सबसे बड़ी कलाकृति जो थी वो क्या थी, और उससे बनाने में कितना समय लगा? सबसे छोटी कलाकृति जो रहती है वो डिपेंड्स है स्क्वायर इंचेस पे, कितना स्क्वायर इंचेस काम होता है। कम से कम 6x6 स्क्वायर इंच का अगर काम है, कितना इंटीग्रेट काम है, उसके 10 से 12 दिन मुझे लगते हैं, अगर मैं रोज 14 तास 15 तास काम करूँ तो। और सबसे बड़ी कलाकृति के बारे में बताइए। सबसे बड़ी कलाकृति मेरी ये है 3x6 फीट तक के, उसमें सारे किस्म के बर्ड्स और पैरट्स हैं जो आज भी मेरे स्टूडियो पर हैं, जो उसमें रियल स्केल बर्ड्स मैंने यूज़ किए हैं, और उसमें कम से कम 40 बर्ड्स है जो दुनिया के सुंदर सुंदर पक्षी है। और एक सबसे बड़ी चीज़ थी और एक 8 फीट की, जो एक प्रोसेशन था हाथी पे का, जो भगवान का प्रोसेशन निकालते हैं, तो वो अभी लंदन में है एक डायमंड मर्चेंट के पास। मुझे कुछ प्रशंसकों के बारे में बताइए, किस कलाकृति के बारे में लोगों की किस तरह के अनूठे ख्यालात आपको जानने सुनने को मिले हैं? ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहीं स्विट्जरलैंड घूमने जाते हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे क्लाइंट्स हैं, तो वो हर बार जब घूम के आते हैं तो मुझे फ़ोन करते हैं कि मैंने यार ऐसा ऐसा एक जंगल देखा, लेकिन आपकी बहुत याद आ रही थी मैंने ऐसे ऐसे घास के कलर्स देखे, आपकी याद आती थी। तो इस तरह से क्लाइंट्स मुझे जब बाहर जाते हैं जो नेचर देखते हैं, तो उनके घर में जो चीज़ रहती है उन्हें वो याद आती है कि अरे अपने घर में तो ऐसा ही है। तो इस तरह से बहुत सराहा जाता है। वैसे मेरी कलाकृतियाँ बहुत से सेलिब्रिटीज़ के पास भी है, तो ये लोग सब अपना संग्रह में वो उनके हॉल में रखते हैं, और एक मैग्नीफाइंग ग्लास उसके साथ रखते हैं उनको दिखाने के लिए कि देखो यहाँ पर एक बर्ड बैठा है, यहाँ पे एक छिपकली बैठी है, यहाँ पे सांप है। अच्छा, वो ग्लास के जरिए जी, ग्लास के जरिए दिखाते हैं। वैसे NRIs भी यही मुझे कहते हैं जी कि भाई हमारे देश में तो आज तक हमने ऐसा देखा नहीं, तो हम बताते हैं कि हमने इंडिया से लाया है। क्या बात है। अच्छा, क्या भारत के अलावा विदेशों में भी आपने अपने शोज किए हैं, या विदेशी लोगों के साथ किस तरह का कलाकृति को लेकर आपका संपर्क रहा है? जो NRIs मेरे कला को बहुत से लेके जाते हैं, हैंड कैरी करके लेके जाते हैं, क्योंकि वो कार्गो में, इसमें प्लेन में हैंड कैरी करके लेके जाते हैं, क्योंकि इसमें जैसा ग्लास है, इस ग्लास को ही बहुत संभालना पड़ता है। अंदर की कलाकृति को आप उल्टा सीधा करोगे तो कुछ नहीं होता है, सब फिक्स रहता है, सिर्फ इसमें ग्लास ही आपको मेंटेन करना पड़ता है। इस कला का मेंटेनेंस भी जीरो है, सिर्फ लाइट्स ऑन करो और उस कला को देखो, और सिर्फ ग्लास क्लीन करो, बाकी उसे मेंटेनेंस कुछ नहीं है। तो इसी लोगों को ज्यादा पसंद आता है, और लोगों के घर की ज्यादा जगह ये कला खाती नहीं है, इसलिए सभी लोगों को ये कला इसीलिए पसंद आती है। अच्छा, पहली प्रदर्शनी के बाद अब तक आपकी कितनी प्रदर्शनियां हुई हैं, और उनके प्रति लोगों का क्या रुझान रहा है? मेरे हर शो में कभी कभी बहुत से लोग ऐसे हैं जो पहले शो से आज तक के मेरे शो सबने देखे हैं, तो वो मुझे बताते हैं कि लास्ट शो में हमने ये देखा था, उसके पहले शो में हमने ये देखा था। इतने लोग ध्यान में रखते हैं, तो कभी कभी मुझे भी याद नहीं रहता, लेकिन लोग उसे याद रखते हैं, और लोग बहुत सराहते हैं मुझे। कभी कभी गैलरी 7 बजे बंद होती है, तो मुझे 8, 8:30, 9 बजते हैं, तो भी गैलरी में लोग रहते हैं वहाँ पर, उन्हें डिस्कस करना रहता है मेरे से कि ये कैसा बनाते हैं, वो कैसा बनाते हैं। कोई लोग अपने घर के, मेरे पास इतनी स्पेस है, मुझे ये बना के चाहिए। कोई लोग अपनी स्टोरीज लाते हैं, कोई लोग पोएम्स लाते हैं, तो उस हिसाब से डेवलप करना चाह रहता हूँ। तो उसके लिए कोई विजुअल अभी डिफिकल्ट नहीं रहा, कोई एक सेंटेंस पे भी विजुअल बनता है, एक कविता पे से भी बनता है, किसी के कहने पे से भी बनता है।
कोई मिसालें बताइए। एक मैंने जो त्रिशला माता का किया था जी, एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनकी वाइफ मेरे पास आई थी कि भाई जो महावीर भगवान थे, महावीर भगवान का जन्म होने से पहले उनके माँ को सपने गिरे थे, कोई 14 सपने मानता है, कोई 16 सपने मानता है। तो उस लेडी को उसका सीन करके चाहिए था, तो उन्होंने मुझे स्टोरी बताई कि महावीर भगवान जो थे वो राज घराने के थे। तो महावीर 15-16 साल के जब हुए थे तब उन्होंने राज घराना त्याग दिया था और जंगल चले गए थे। तो उस लेडी ने मुझे ये कहानी बताई थी कि वो जब प्रेग्नेंट थी महावीर की माँ, तब उन्हें सुबह सुबह सपने गिरे थे कि तेरे आने वाले बेटे में ये पावर्स रहेंगे, जैसे समुंदर है, राजगद्दी है, सोना है, आग है, पानी है, सूरज है, जिन जिन में शक्तियाँ हैं वो सारी शक्तियाँ आपके बेटे में रहेगी, ऐसे सपने उसे गिरे थे। तो उस विजुअल पे से मैंने एक स्टोरी बनाई थी, जो म्यूरल था, वॉल म्यूरल, तो दासियाँ बनाई थी, जो उस वक्त म्यूजिक नहीं था तो दासियाँ एंटरटेन करती थी रानी को, महारानी को, गिटार बजा के, ये बजा के, तो वो सारा मैंने किया था उसमें, महल का दृश्य था पीछे, तो इस तरह से डेवलप किया था, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा था वो। तो उसके बाद जिन्होंने भी देखा था उसके, मैंने भी 2-4 किए थे उस टाइप के अलग अलग। तो ऐसे स्टोरीज से भी मैंने किए हैं, कुछ कविता भी वैसे किए हैं। एक मेरे घर में अभी भी है जो मैंने लक्ष्मी पे किया है, लक्ष्मी के ऊपर धन संपत्ति बांटते आ रही थी, उसके ऊपर से भी विजुअल डेवलप किया है। मुगले आजम की वो स्टोरी, जितना पोस्ट था वो पोस्ट पे से मैंने सारा बैकग्राउंड डेवलप किया था। ये बहुत बढ़िया बात है। मुझे ये बताइए कि क्या इस कला को आगे बढ़ाने के लिए आपने कुछ शिष्य बनाए हैं या किसी तरह से लोगों को अलग अलग जगहों पर जाकर इसे सिखा रहे हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न है सर। मैंने बचपन से ही, जैसे कॉलेज से, जैसा मेरा पहला शो हुआ तो मेरे पास बहुत लोग आते थे। आज भी मेरे स्टूडियो पे कम से कम हजारों लोग आकर गए, हजारों बच्चे आके जाते हैं वहाँ पे। जब गैलरी में मेरा शो चलता है तब भी मैं कुछ बताता हूँ कि मैं कैसा करता हूँ, तो बहुत से लोग आते हैं, सीखते हैं। बेसिक्स मैं सिखाता हूँ, क्योंकि जब तक बेसिक्स आपको पता नहीं है, मैं स्कूल्स में जाता हूँ, बच्चों को सिखाता हूँ कि ताकि बच्चों ने कला क्या है, स्कूल से ये सीखना चाहिए कि कला का जो इम्पोर्टेंस है वो प्रोफेशन में जाके कैसा है, इसलिए मैं स्कूल्स में भी सिखाता हूँ, मैं कॉलेज में भी सिखाता हूँ, मैं बहुत से आर्किटेक्ट्स है, कुछ इंटीरियर डेकोरेटर्स है, उनको भी बताता हूँ। तो जो कॉलेज में उनको आज नहीं सिखाया जाता है, उनकी टेक्निक्स मैं इंजॉय करते करते काम कैसा करना है वो सब बताता हूँ। लेकिन आज के जनरेशन में ये जो प्रॉब्लम है कि आज के जनरेशन को सब कुछ फास्ट चाहिए, तो ये प्रोसेस है स्लो। तो देखने, पूरी कलाकृति होने के बाद बहुत उत्साह रहता है उनको सीखने का। जब वो प्रोसेस में आते हैं तो वो एक दो बार के बाद तीसरी बार आते नहीं है, उनको लगता है ये तो बहुत बोझिल काम है। बहुत बोझिल काम है। मैंने देखा आपके हाथों की जो कुशलता है, आपने खुद जब अपना प्रदर्शन मेरे सामने करके दिखाया तो एक कागज था जिसको आपने फोल्ड किया जी, और उसके बाद कैची ऐसे चल रही थी जैसे पानी में नाव चलती है, और लहराते हुए आपने उसको किया, और जब ओपन किया तो वो पत्ती बन गई थी या पंछी बन गया था जी। ये कुशलता जो है ये आपके शिष्यों में आ पा रही है? बहुत कम आ पा रही है। और सबसे पहले इसको कुशलता आने के लिए आपका ड्राइंग्स जो रहता है, ड्राइंग्स आपके अच्छे चाहिए, आपके प्रपोर्शंस का जो प्रमाणबद्धता जिसे हम कहते हैं वो आनी चाहिए। ये कला को जो बेस है वो ड्राइंग का बेस है। ड्राइंग जब आपका अच्छा नहीं है तो आप 3D भी अच्छा नहीं कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन अच्छा नहीं है तो विजुअल आप सेट नहीं कर सकते कि सीन क्या बिठाना है, उसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। उसकी सबसे महत्व है ड्राइंग और स्कल्पचर में उसकी प्रमाणबद्धता। ह्यूमन फिगर अगर है तो ह्यूमन फिगर की करेक्ट एनाटॉमी क्या होती है, घोड़े की एनाटॉमी कैसी होती है, जानवर की एनाटॉमी कैसी होती है, इसका जब तक आपको अभ्यास नहीं है तब तक आप कला में आगे नहीं बढ़ सकते, कोई भी कला हो। ड्राइंग में भी अगर आपका ड्राइंग गलत है तो आप कितना भी अच्छा पेंट करो, तो अगर लेमैन भी कह सकता है कि यहाँ पर कहीं तो भी गलत है। जी जी, इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही धीरज की परीक्षा लेने वाला काम जी, है। बिल्कुल धीरज, बहुत तसल्ली से इसको सिखा जा रहा है जी। तसल्ली है, आपका कंसंट्रेशन चाहिए, आपका मन चाहिए, और अंदर से आपको एक हॉबी चाहिए कि नहीं मुझे ये करना है, बस यही करना है। जो आपके मन में विजुअल है वो ही आना चाहिए, तभी आप परफेक्ट बनते जाते हो जी। आप दिन में 14-15 घंटे काम करते हैं जी, इस काम में अपना फोकस बनाए रखने के लिए आप क्या उपाय करते हैं? सबसे बड़ा उपाय है सर संगीत। अच्छा, संगीत जब नहीं है तो कुछ नहीं है। संगीत और कला का बहुत बहुत करीब का रिश्ता है जी। जो संगीत से जो इंटरेस्ट बनता है कला का, जो हम घंटों घंटे जो काम करते हैं, वो संगीत हमें पता नहीं चलने देता जी। जी, और खासकर मेरे स्टूडियो में ऊपर नीचे सब स्पीकर्स लगे हैं, बस किशोर कुमार जी, मोहम्मद रफ़ी जी के, लता जी के सॉन्ग्स चलते रहते, और तो समय का पता नहीं चलता। क्या बात है, मतलब
संगीत के जरिए 14 घंटे कब बीत गए और आप इतना बारीक काम जिसमें आप लेंस लगा के चीजों को देखते रहते हैं। जी बिल्कुल, संगीत इंस्पिरेशन है सर जी, कला के लिए बहुत इंस्पिरेशन है। सबसे मुश्किल कलाकृति कौन सी रही है जो आपने बनाई है अब तक? सबसे मुश्किल कलाकृति थी मेरी सबसे पहली कलाकृति, जो मैंने उसका अभ्यास करते करते, फॉर्म्स का अभ्यास करते करते बनाई थी। आज जो मेरे घर में जो मंदिर है, वो मैंने 3D का प्रयास करते करते कि ये फॉर्म मैं कैसा बनाऊँ, वो फॉर्म मैं कैसा बनाऊँ, ट्राई और एरर से बनाया है मैंने वो। और उसमें से जो मैंने 3D सीखा है, जो पहले 2 कलाकृतियों में से, वो आज भी मैं एप्लीकेशन करता हूँ आज के कला में, सिर्फ सब्जेक्ट्स बदलते हैं। मैंने देखा कि आपका जो काम है, आपकी जो कलाकृतियों की जो तस्वीरें मैंने देखी हैं, उनको ध्यान से देखें तो एक बात जो बहुत उभर कर सामने आती है वो ये कि आर्किटेक्चर के प्रति आपका जबरदस्त रुझान है जी। उसकी बारीकियों पर आप बहुत काम करते हैं जी, इसकी क्या वजह है? आर्किटेक्चर एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है सर। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये थोड़ा सा मैं अलग हट के बात करूंगा कि आर्किटेक्चर की स्टडी है तो एक आर्किटेक्ट होने से पहले 2 साल उसे कला सिखानी जानी चाहिए। क्या बात है? वो इसलिए क्योंकि कलात्मक आर्किटेक्चर कैसा करना है वो आर्किटेक्ट सीखेगा। आर्किटेक्ट और कलाकार में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, वो सिर्फ उनका मेजरमेंट का स्केल से काम चलता है और कलाकार अंदाज से काम करता है। तो अंदाज और टेक्नोलॉजी एक साथ जब आती है तो एक अलग आर्किटेक्ट बनता है। उसमें जब डिजाइन क्वालिटी आती है आर्किटेक्ट में, आर्किटेक्ट ऐसा नहीं है एक सीधी लाइन और आड़ी लाइन और बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर, इज नॉट आर्किटेक्ट। आप पुराने मंदिर देखिए, आप पुराने स्कल्पचर देखिए, मस्जिद देखिए, सब में कला है और कला के सिवाय कोई भी आर्किटेक्चर अच्छा नहीं लगता। आप आज भी नए बिल्डिंग्स को कम देखोगे लेकिन पुराने मंदिरों को, पुराने मस्जिदों को ज्यादा जाकर देखोगे, क्योंकि उनमें कला है, कला कुसर किए गए। और इंसान का एक बेसिक नेचर है कि वो कला और संगीत की तरफ ही ज्यादा जाता है जी। इस कार्यक्रम को बहुत सारे ऐसे माता पिता सुन रहे हैं जिनके बच्चे कला की दुनिया में आना चाहते हैं जी, और कई बार व्यावहारिक रूप से ये लगता है कि ये दुनिया क्या इन्हें एक अच्छा भविष्य दे पाएगी, ये सवाल बहुत सारे माता पिता के जहन में होता है। आपने कला की दुनिया में लंबा सफर, कामयाब सफर तय किया है जी, ऐसे माता पिता के लिए आप क्या कहेंगे जिनके बच्चे इस दिशा में अपना पहला कदम बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं? मैं माता पिता से यही कहना चाहूँगा कि अगर एक बच्चे का मन अगर कला की तरफ है और पढ़ाई की तरफ नहीं है तो उसे उसी माध्यम में जाने देना चाहिए जो वो चाहता है। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि कला भगवान ने दिया हुआ एक वरदान रहता है, तो उसको वो डेवलप करना चाहता है कलाकार। आज ये हो रहा है कि माँ बाप जो बच्चों को मास्क की तरफ ढकेल रहे हैं तो बच्चा नहीं जाना चाहता है। तो अगर वो आर्किटेक्ट की तरफ जाना चाहता है, वो म्यूजिक में जाना चाहता है, वो आर्ट कॉलेज में जाना चाहता है, तो उसे जान देना चाहिए, उसकी कला मानी जाती है। मेरे पास आज ऐसे भी लोग आते हैं बचपन में जिसे कलाकार बनना था लेकिन बिजनेस की वजह से, माँ बाप की वजह से बन नहीं सका, तो आज 80 साल के होने के बाद भी मेरे पास सीखने आते हैं कि बचपन में हमारी ये इच्छा पूरी नहीं हुई तो आज हमें ये करनी है। तो इसको आप मार नहीं सकते, ये अंदर से आता है। और सबसे मेरा यही कहना है कि जहाँ बच्चा जाना चाहता है, आज हर फील्ड एक कमर्शियल फील्ड हो गई है, एक आर्किटेक्चर है, इंटीरियर डेकोरेशन है, पेंटिंग्स है, स्कल्पचर्स है, तो सारा एक बिजनेस हुआ है, तो उस तरफ उस बच्चे को जाने देना चाहिए। राजेंद्र जी, आपने समय दिया और बहुत सारी चीजें आपकी इस कला के बारे में जानने को हमें मिली, आपकी इस कला की प्रक्रिया के बारे में जानने को मिली। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए, अपनी कलाकृतियों से और कलाकृतियों को बनाने की प्रक्रिया से हमारा परिचय करवाने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। शिल्पकार और मिनिएचर आर्टिस्ट राजेंद्र गोले से यूनुस खान की बातचीत अभी आपने सुनी। ये था इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग, प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई। इनसे मिलिए।